अब बात बाढ़ और बारिश की कर लेते हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश की वजह से इस वक्त नदियां उफान पर हैं और लहरों का कहर बरप रहा है। उस कहर की तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से सामने आई है, जहां पर शारदा नदी के उफान में करीब 100 मीटर रेलवे ट्रैक नदी में बह गया। यही नहीं, शारदा नदी के उफान में आने के बाद से कैसे दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, जिसकी वजह से लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये रेलवे ट्रैक कैसे बह गया, पानी के उफान में तेज बहाव में झेल नहीं पाया, धारा इतनी तेज बह रही है। लखीमपुर खीरी की ये शारदा नदी जो इस वक्त अपने उफान पर आसमान से बरसती बारिश लोगों के लिए आफत बनकर टूट रही है, क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और वो अब अपना रास्ता बदलकर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जहां गांव के गांव जलमग्न हो रहे हैं। आप जरा देखिए तस्वीरें, रेलवे ट्रैक शारदा नदी किस तरीके से पूरा पानी के बहाव में वो बहा कर ले गई है नदी। तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे मुश्किल भरे हालातों से इस वक्त देश के कई हिस्सों में लोग जूझ रहे हैं और सिर्फ टकटकी लगाकर प्रशासन की तरफ देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन तक राहत पहुंच पाए। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जम्मू कश्मीर से, जहां पर नगरोटा इलाके में आईईडी मिलने की खबर है। सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है और अब उसे डिफ्यूज करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आईईडी मिलने की खबर, इस वक्त की यह बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर नगरोटा में NH-44 पर संदिग्ध आईईडी मिला है, जहां पर अब सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर भी लिया है और अब कोशिश की जा रही है उसे डिफ्यूज करने की। तो लगातार जिस तरीके से आतंकियों की घुसपैठ, आतंकी हमले हो रहे हैं, सेना के जवानों को उनके वाहनों को निशाना बनाया जा रहा है। कल ही जिस तरीके से सेना के वाहन को निशाना बनाया गया, उसमें 5 जवान शहीद हो गए, हालांकि 6 आतंकियों को भी मार गिराया गया है। लेकिन इस तरह की घटनाएं थम नहीं रही है, रुक नहीं पा रही है। नगरोटा में आईईडी एक अपडेट आपको दे देते हैं। NH-44 पर आर्टिलरी शेल मिला है, नगरोटा में हाईवे पर NH-44 पर आर्टिलरी शेल मिला है, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।